नाउ नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया हमारा. देन सी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सी डी दैट मीन्स सी से डी 5 सेंटीमीटर. अगेन ओपन यूर कंपास 5 सेंटीमीटर एंड कट द एंगल सी टू डी, इट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ दिस वन वी डन. ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ए टू डी 4 सेंटीमीटर. अगेन ओपन यूर कंपास 4 सेंटीमीटर देन कट इट ए टू डी. आपको इतना बड़ा कट करना है कि दोनों कट हो जाए. नाउ लुक एट हियर, जो नेक्स्ट वाला है वो थोड़ा छोटा है तो हम उसको पूरा कट कर देंगे. ओके, नाउ इट इज डन. नाउ वी मेक हियर डायगनल. ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. डायगनल इज जो बीच में लाइन होती है उसको डायगनल कहते हैं. ये हमको कितने सेंटीमीटर की खींचना है? 7 सेंटीमीटर की. सो अगेन ओपन योर कंपास 7 सेंटीमीटर एंड कट ए टू सी. ओके, नाउ अगेन दोनों कट हो गए. नाउ ड्रॉ हियर ऑल द लाइंस, यूज योर स्केल. बिल्कुल एग्जैक्टली जो मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है आपका जो एंगल का, आपको उसी से मैच करना है. ओके, दिस वन एंड हमें लास्ट क्या खींचा? ए टू सी. ए टू सी खींचा जो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर. सो मेक हियर डायगनल लाइन ए टू सी. ओके, नाउ राइट डाउन ऑल द मेजर्स एंगल्स. इज ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. हियर इज सी एंड हियर इज डी. ओके, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. सी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. इट इज कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम्स. व्हाट वी मेक हियर? पैरेललोग्राम्स बी ए टी एस, वेयर बी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर्स. हियर वी मेक अ पैरेललोग्राम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो मेक हियर 5 सेंटीमीटर लाइन. ड्रॉ हियर एंड लाइ डाउन हियर बी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. नाउ बी ए टी एस, वॉट इज द नेम? टी देन एस. ओके, ए टी इक्वल्स टू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर. सो अगेन ओपन योर कंपास 6 सेंटीमीटर. ओके, देन कट इट 6 सेंटीमीटर. वी हैव डन दिस. देन ए एस इक्वल्स टू 6.5. इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 6.5 के लिए. ओके, 6.5 एंड ए टू एस. ओके, एज वी नो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना? देन कट इट. ये 6 कट किया तो ये भी कितने का होगा? 6 का. अगेन मेजर 6 सेंटीमीटर देन कट इट फ्रॉम दिस साइड. ओके, अगेन लॉन्ग इट. देन ये 5 सेंटीमीटर कट किया तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. ओके, मेक 5 सेंटीमीटर. फ्रॉम हियर वी कट इट 5 सेंटीमीटर. Join all the lines. Look at here. 5 cm. It is 5 cm. It is 6 cm. And again it is 6 cm. Okay? It is completed. Now, next question number 3. Then question number 3.
कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल KLMN इन विच KL इक्वल्स टू 4.8, LM इक्वल्स टू 4.3, MN इक्वल्स टू 3.6, KN इक्वल्स टू 4.2 एंड डायगोनल KM इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. इट इज सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक हियर KL इक्वल्स टू 4.8. मेक हियर 4.8 सेंटीमीटर लाइन 5, 6, 7, 8. ओके के एल इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर. देन के एल है तो यहाँ पे क्या आएगा एम एंड हियर इज एन. एल एम इक्वल्स टू 4.3. नाउ अगेन अगेन ओपन योर कंपास. 4.3 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर एंड कट इट एल टू एम. ओके देन एम एन इक्वल्स टू 3.6, इट इज 3.6 एंड एल टू एम इक्वल्स टू 3.6 एम टू एन. ओके 3.6 देन के टू एन 4.2, के टू एन इट इज 4.2. ओपन योर कंपास. 4.2 सेंटीमीटर एंड के टू एन हियर इज के एंड टू एन वी कट इट एंगल 4.2 एंड डायगनल के टू एम दैट मीन्स हियर फ्रॉम के टू एम डायगनल बीच में 6 सेंटीमीटर. सो ओपन योर कंपास. 6 सेंटीमीटर एंड टेक इट एंड कट इट. नाउ जॉइन ऑल द लाइन्स by using your scale. Look at here, join by using scale and write down all the measurements. Now question number 4. Construct a quadrilateral ABCD such that AB equals to 4 cm, BC equals to CD 8 cm, CD equals to 6.5, DA equals to 7 cm and BD equals to 9 cm. Now we start the question. Equals to 4 cm, BC equals to 8 cm, CD equals to 6.5, DA equals to 7 cm and BD equals to 9 cm. ओके बी एंड सी हम इस टाइम इस तरफ लेने वाले. ओके okay? क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े एंगल्स कटेंगे बेटा, बहुत लंबा कटेगा, इसलिए हम इसको BC को नीचे लेने वाले हैं. BC equals to 8 cm. Make here 8 cm line. B to C, it is 8 cm line. Look at here. Write down here C. Okay, BC equals to 7 cm, 8 cm. Now A से B 4 cm. Okay, हमने यहाँ पे B लिया है तो यहाँ पे A आएगा. A B C and D. Okay, AB equals to कितना सेंटीमीटर है? 4 cm. So open your compass. 4 cm and cut it 4 cm. Okay. Now, AB भी हो गया. Then CD equals to 6.5. That means this side 6.5. Open your compass. 6 cm. And C to D cut it. ठीक है. CD 6.5 हो गया. Then DA equals to 7 cm. Where is D? This one and A 7 cm. Okay. DA equals to 7 cm. Open your compass. 7 cm. Then cut DA. And BD. B to D equals to 9 cm. Open your compass. 9 cm. So long. And cut it. B to D. Okay. Now. चाहो तो आप D to A जो 7 सेंटीमीटर हमने कट किया इसको उल्टा भी यहाँ से यहाँ पे भी कट कर सकते हैं. ओके 7 सेंटीमीटर का. नाउ जॉइन ऑल दी लाइंस. लुक एट हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल HATS इन विच HA इक्वल्स टू 4.4, AT equals to 4 cm, TS equals to 6.5, HS equals to 3.8 and A is equal to 6.6. It is similar question to question number first and fourth. So
complete it yourself. Okay, now question number 6, construct a rhombus with the side 7 cm and one diagonal 10 cm. Question number 6, construct a rhombus with side 7 cm and one diagonal equals to 10 cm. Measure the other diagonals. ठीक है, rhombus बनाना है. As we know कि rhombus की all sides क्या होती है, equal होती है. यहाँ पे diagonal कितना सेंटीमीटर है, 10 cm. So first of all make here 10 cm line. Diagonal हम बीच में लेने वाले हैं, 10 cm line. And write down here A C. Okay, क्योंकि B हाँ यहाँ पे नीचे आएगा हमारा और D यहाँ पे ऊपर आएगा. Now हमको पता है कि सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती है, सो 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसको 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं कंपास को. Now कट इट ऑल दी साइड्स, बोथ दी साइड्स. Okay, now join the lines. Now it is completed. Question number 7. Construct a quadrilateral ABCD in which AB equals to 4.2 cm, BC equals to 6 cm, CD equal to 5.2, DA equals to 5 cm, AC equals to 8 cm. Okay, this question is similar to the question number 4, 5 and 1, and question number 8, it is also similar to question number 1. So this question you complete yourself, it is your homework question. Question number 7 and 8 and 5. Okay.